जय श्री राम। सभी भक्तों को कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे और भगवान की दया आपके ऊपर सबके ऊपर बनी होगी, किसी को भूत प्रेत की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी जो इस वीडियो पे आए, आज जानकारी ऐसी लेके आया हूँ कि आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। कौन है प्रेता सरकार बालाजी में, जिनको सबसे पहले पूजा जाता है, बालाजी के बाद भी पूजा जाता है, जिनकी गद्दी बालाजी से ऊपर लगी हुई है? आखिर है कौन प्रेतराज सरकार, उनकी शक्ति क्या है और कैसे कार्य करती है, इनका दूध कैसे प्राप्त करे, इन सारी चीज़ों पे आज बात करने जा रहे हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रेतराज सरकार कौन थे। इनके बारे में भाई तीन कथा अलग अलग मान्य है और तीनों कथा का अलग अलग शेर है, पर मैं आपको ये कथा सारी चीज़ बताऊंगा जो आपको गूगल पे मिलेगी, खाली तीन ही कथा मिलती है। आज मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ इनका क्या है क्या नहीं। जब श्री राम जी लंका दहन के लिए गए थे सीता मैया, जब रावण ने सीता मैया को उठा लिया था, जब सीता मैया को छुड़ाने के लिए लंका गए थे, तो उससे पहले हनुमान जी लंका गए थे। आपने सब इस कहानी को जानते होंगे। जब हनुमान जी ने लंका दहन की थी, पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो उस समय एक मुनि रहते थे वहाँ पे, ऋषि रहते थे, नीलासुर नाम के एक ऋषि रहते थे लंका के अंदर ही, जो तपस्या वगैरह करते हो लंका में रहते थे नीलासुर। तो भाई उन्होंने किया जब लंका ध्यान की, तो उनका का ध्यान हनुमान जी पे पड़ा और उनको ये लगा कि भाई ये जो लंका का ध्यान कर सकते कोई छोटा मोटा भगवान तो हो ही नहीं सकता। तो उनके जैसे ही हनुमान जी की पूछ में आग लगी थी, वो समुद्र किनारे रुके हनुमान जी पे अपनी पूछ की आग को बुझाने के लिए। वहीं पे वैसे भागा भागा आया नीलासुर और उनको वो हनुमान जी को बोलता कि आप हो कौन, मुझे आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि साधारण वानर कोई लंका में आग नहीं लगा सकता। तो उन्होंने बताया कि मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ और मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो नीलासुर राम की भक्ति में लगे हुए थे, विष्णु की भक्ति में लगे हुए थे, तो हनुमान जी ने वहाँ परिचय दिया था कि मैं विष्णु अवतार श्री राम प्रभु का सेवक हनुमान हूँ। तो वहीं पर उन्होंने उनकी भक्ति में लग गए थे। तो हनुमान जी ने कहा था अभी जैसे ही आपका लंका दहन हम कर लें, लंका विजय कर लेंगे हम, उसके बाद आप मेरी शरण में आना, प्रभु श्री राम की शरण में आना। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने लंका पे विजय प्राप्त की, वैसे ही हनुमान जी को हुक्म दिया कि हनुमान जी अब तुम्हें एक कार्य करना है मेरा, मैं कलयुग में कलिंगा अवतार के नाम से जन्म लूँगा, जब तक आपको लोगों का कल्याण करना, भक्तों का कल्याण करना है, और आप बालाजी मेहंदीपुर दोसा के अंदर प्रकट होकर लोगों का कल्याण करना और मेरा प्रतीक्षा करना, कलिंगा अवतार के रूप में मैं जन्म लूँगा। तो हनुमान जी को फिर ठीक, हनुमान जी ने बात मानी, अपने सर हनुमान जी के साथ रहे, उनको और वरदान दे दिया। तो उन्होंने जो नीलासुर नाम के ऋषि रहते थे, उन्होंने हुक्म दिया कि आप जयपुर की तरफ रवाना होइए और वहाँ की राजगद्दी का हनुमान जी ने उनको राजा बनाया, नीलासुर जी को राजा बनाया। जैसे ही राजा उनको बना दिया, तो जैसे ही हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं, तो वहाँ के राजा के पास हुक्म जाता है नीलासुर के पास कि वहाँ पे बालाजी में आपके मेहंदीपुर में आपके प्रकट हुए हनुमान जी, तो इनके वो बुलाया जाए। तो मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताई दिया, प्रेता सरकार कौन है कौन नहीं, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम, इनकी सिद्धि कैसे प्राप्त करें कैसे नहीं। इनके बारे में तीन अलग अलग कथाएं मशहूर है भाई जी, क्योंकि लंकापति रावण थे, इनके यहाँ एक ऋषि रहते थे नरेशा, उनका नाम था नीलासुर कुछ करके नाम था इनका ऋषि जो वहाँ रहते थे रावण के। जब हनुमान जी ने लंका ध्यान की, जब लंका में आग लगाई, तो उसके बाद उस ऋषि का ध्यान हनुमान जी पे पड़ा। उन्होंने देखा ये जो वानर है कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता जो पूरी लंका में आग लगा के जा रहा है, तो वो उनके पीछे पीछे गए। जैसे हनुमान जी समुद्र किनारे अपने पूछ की आग को बुझाने के लिए रुके पानी से, तो वैसे ही वहाँ पे नीलासुर नाम के असुर वहाँ पे पहुँचे, ऋषि वहाँ पहुँचे। उन्होंने बोला कि प्रभु आप हो कौन, जो साधारण वानर तो लंका में आग लगा नहीं सकता। तो हनुमान जी ने वहाँ परिचय दिया कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, राम का सेवक हूँ, और मैं सीता मैया की खोज के लिए आया था, सीता मैया को छुड़ाने के लिए आया था, और हमारे प्रभु समुद्र के उस पार है, जो जल्दी हम ब्रिज बना के यहाँ पे पुल वगैरह बना के यहाँ तक पहुँचेंगे। जो भी वहाँ पे बात हुई उनकी कन्वर्सेशन उस टाइम पर कोई नहीं है, सटीक एक जानकारी बता सकता, रामायण में जो लिखा हुआ मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो नीलासुर बोला कि मुझे आपकी शरण में आना, तो हनुमान जी ने कहा अभी नहीं, हम जैसे ही लंका पे विजय प्राप्त कर लेंगे वैसे ही आपको हम अपने उसमें ले लेंगे। क्योंकि नीलासुर जो थे वो एक असुर सेना के ऋषि थे, असुर सेना के ऋषि थे, प्रेतों को पकड़ने में माहिर थे, सारी चीज़ों को माहिर थे। तो वहाँ से जैसे ही लंका पे विजय श्री राम जी करते हैं, तो वहाँ पे श्री राम जी प्रभु हनुमान जी को हुक्म देते हैं कि कलयुग में मैं कलिंगा अवतार के नाम से जन्म लूँगा और उस समय आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरा वेट करना होगा आपको उस समय तक। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, और हनुमान जी को हुक्म दिया जाता है श्री राम की जब तक आप जयपुर के जिला दौसा में प्रकट हो गए, भक्तों का कल्याण करना, उनकी इच्छा पूरी करना, तो हनुमान जी अपने वो कर देते हैं। जैसे श्री राम जी का शरीर कंप्लीट होता है, अपना शरीर त्याग करते हैं, तो हनुमान जी अपना इधर उधर भक्तों की परीक्षा लेने लगते हैं, और टाइम आने पर आज से 1000 साल पहले
की बात है कि हनुमान जी ने श्री बालाजी दोसा के अंदर अपना जन्म लिया था, मतलब मूर्ति प्रकट हुई थी, क्योंकि जन्म वो नहीं ले सकते हो अजर अमर है, तो वहीं पे नीलासुर जो थे उनको नाम दिया गया था प्रेतराज सरकार का। क्योंकि अभी कथा दूसरी क्या है कि प्रेता सरकार जो थे वो थे, जो दूसरी कथा है उसके अनुसार जो प्रेता सरकार थे वो थे जयपुर के राजा, और प्रेतों के राज थे, इनका नाम प्रेता सरकार था। और जैसे ही हनुमान जी बालाजी में विराजमान हुए थे, मूर्ति मिली थी, महाराज गोसाई जी थे जो वहाँ के संत थे, उनको सपने में दर्शन दिए थे, वहाँ पे जैसे ही बालाजी प्रकट हुए थे तो बालाजी को एक सहायता की जरूरत थी, तो उन्होंने जयपुर के राजा को संदेश भिजवाया था कि आप यहाँ पे आके प्रेतों को, क्योंकि जो जयपुर के राजा थे प्रेता सरकार जी, वो भूत प्रेत को पकड़ने में माहिर थे। तो बालाजी बोले कि इससे अच्छा तो कुछ मिल ही नहीं सकता जो भूत प्रेत को पकड़ने में माहिर हो, तो इन्हीं को बुलाया जाए, इनको संदेश पहुँचाया, तो ये आए नहीं। इनको दूसरी बार भेजा गया तो जब भी नहीं आए, तो हनुमान जी गए तो बोला कि आप आ क्यों नहीं रहे, क्या वो है, तो राजा थे भाई, थोड़ा एटीट्यूड था उनमें सारी चीज़ का होता, तो वो बोले कि मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं राजा हूँ, मेरे एक कचहरी लगनी चाहिए, और मैं कचहरी में लग के ही लोगों को सजा सुनाता हूँ, और वहाँ भी मेरी एक कचहरी होनी चाहिए और मेरी सबसे ऊपर स्थान होना चाहिए। तो बालाजी ने उनकी शर्तें मान ली। अब आपको बालाजी की ने मान ली तो आपको एक चीज़ बता दो, प्रेतराज जी की जो कचहरी लगती है, अदालत लगती है, वो दोपहर 2 बजे लगती है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है मेरी वीडियो में, और आप एक गिफ्ट जीत सकते हो। तो 2 बजे कचहरी लगती थी, 2 बजे सारा सी चीज़ होती थी उनकी। तो हनुमान जी ने बात मान ली। अब बात आती है, लोग बाग दो कथाओं में कन्फ्यूज है, क्या ये वो थे या वो जो मैंने पहले कथा सुनाई ये वो थे। तो जो मेहंदीपुर के जो भाई जी बालाजी महाराज थे, उन्होंने जो भेजा था उनको बुलाओ, तो उनको हनुमान जी ने उनकी बात मान ली, और पहली कथा जो मैंने आपको बताई थी, अरुण की कथा का मैं आपको शेर बताता हूँ क्या क्या नहीं। जो पहले हनुमान जी ने प्रेता जी को, जो नीलासुर असुर थे, ऋषि थे, उनको वरदान दिया था कि इनको जयपुर का राजा बना दिया था, इनको जयपुर में भेजा गया था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा था कि आप दौसा जिला जयपुर के अंदर आपको वहाँ प्रकट होना और लोग बागों के भक्तों के संकटों को दूर करना है, और मैं कलयुग में कलिंग अवतार के नाम से जन्म लूँगा जब आप मेरी, मैं आपसे मिलूंगा। तो हनुमान जी ने उनकी बात मानी, तो उन्हीं को जो सेवक वहाँ पे मिले थे उनको जयपुर भेज दिया था, वहाँ का राजा हनुमान जी ने उनको बना दिया था, तो राजा बन गए थे। तो हनुमान जी से उन्होंने वरदान पाने के लिए, मेरी पूजा भी हो, मेरी सारी चीज़ का हो, तो हनुमान जी का वो थोड़ा वो था। तो कहानी है, लीला रची हुई सब इन्हीं की है, ये एक ही शख्स है। नीलासुर जो प्रेतराज है, ये रावण की लंका में रहते, श्रीलंका के रहने वाले थे, ऋषि थे, वहाँ पे तपस्या करते थे, ये जयपुर के राजा बनाए गए थे हनुमान जी के जरूर। आज से 1000 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्रेता सरकार पे भोग क्या लगता है, पहले तो ये जान लीजिए, इनको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। किसी घर में भूत प्रेत आदि की दिक्कत हो, जिंद की दिक्कत हो, जिंद कंट्रोल में ना होता हो, जिस पे घर में जिंद चल रहा हो, कंट्रोल नहीं है, कुछ भी गलत उल्टे से काम कर रहा, प्रेतों से परेशान हो, तो वो सिद्धि करे प्रेता सरकार की। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, राजा है, राजा की तरह आप जियोगे, राजा की तरह आप रखो रहोगे, ठीक है। हनुमान जी के सबसे प्रिय है, और एक तो प्रिय राम जी के सबसे प्रिय हनुमान जी है, वैसे हनुमान जी के प्रिय प्रेता सरकार है, और हनुमान जी की उगाई खुद प्रेता सरकार करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था एक वीडियो में, आपने किसी ने भी जवाब नहीं दिया और आपको पता भी नहीं था। जहाँ पे हनुमान जी की पूजा होगी, एक सिद्धि मंदिर होगा, वहाँ प्रेता सरकार का मंदिर जरूर मिलेगा आपको। तो भूत प्रेत आदि जिंद आदि का अगर दिक्कत चल रही है तो प्रेता सरकार की सिद्धि कीजिए। इनको भोग लगता है, जो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको भोग लगता है चावल बूरा का, सबसे प्रिय है इनको सफ़ेद वाले चावल, उनको भोग लीजिए, इनकी सिद्धि कीजिए, इनका मंत्र आपको मिल जाएगा, हनुमान इनकी 40 करिए डेली, और इनकी आरती कीजिए, और इनसे कभी बालाजी जाए तो इनका दूध आप प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, अर्जी कीजिए, इनसे प्रार्थना कीजिए, अगर इनका दूध मिल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप एक तरीके से राजा हो जाओगे भूत जिंद आदि के, चुड़ैलों के नहीं, भूत जिंद आदि के, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ऐसे ही बाबा के सेवक है, औरतों पर हाथ नहीं करते, चुड़ैल वगैरह नहीं, पर जिंद भूत वगैरह के आप राजा बन कहलाओगे, और ऐसी शक्ति इनकी चलती है। तो पूरी आपको वीडियो मैं एक और बनाऊंगा इनके ऊपर, उसमें इनके कैसे सिद्धि की जाए, कैसे नहीं, जानकारी ये वाली अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दो, इनकी सिद्धि करोगे, बल्ले बल्ले कराऊंगे, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।